अस्सलाम वालेकुम, मैं आरफा शौकत आरफाज किचन एंड हर्बल से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपनी आज एक नई रेसिपी लेके। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है, बल्कि आज तो बहुत ही सुहाना मौसम है, बारिश हो रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है। बल्कि बारिश देख के मेरा दिल चाहा कि आज मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ, और इंग्रेडिएंट लेने के लिए मुझे बाहर जाना था, जो कि मेरे घर के करीबी शॉप है। और उस वक्त मैंने इस सुहाने मौसम का, बरसाती मौसम का बहुत लुत्फ उठाया। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, अपनी रेसिपी शुरू करें, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरा चैनल आरफाज किचन एंड हर वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए, आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि है मैंगो आइसक्रीम। आम का मौसम आ चुका है और आम खूब बिक रहे हैं, तो ऐसे में मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों को आज मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी बताऊं। तो चलिए देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, तीन चीज़ों से मैंगो आइसक्रीम बनेगी। दोस्तों, ये 1 kg व्हिपिंग क्रीम है, और ये 400 grams कंडेंस मिल्क है जो कि हम यूज़ करेंगे, और ये हमने 3 आम लिए हुए हैं। और चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमने व्हिपिंग क्रीम निकाल ली है, और अब हम इसको बीट करेंगे, ठीक है। क्रीम बीट हो रही है, इसको 8-10 मिनट तक आपको करना है, जब तक ये अच्छी सी फ्लफी ना हो। बाद में आपको फुल पीस के बारीक पीस देना है, इसका पल्प बना देना है। तो चलिए पहले मैंगो को ये पल्प बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये क्रीम जो है ये अच्छे से बीट हो गई है, ये देखिए ये वॉल्यूम में भी डबल हो चुकी है, ये देखिए ये गिर भी नहीं रही है, तो इसका मतलब ये अब परफेक्ट है आइसक्रीम बनने के लिए। तो अब हम इसमें ये कंडेंस मिल्क डाले दे रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया सारा। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, ये मैं बाजार से खरीद के लाई हूँ नेस्ले का। देखिए अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी क्रीम रेडी है, अब हम इसमें ये हमने जो मैंगो रखे थे ये शामिल कर रहे हैं, पल्प मैंगो का, ये देखिए, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने ये आइसक्रीम में ये सब शामिल कर लिया है, मैंगो का पल्प और कंडेंस मिल्क शामिल कर ली, ये देखिए अब ये हमारी आइसक्रीम रेडी है। अब हम ये जो आम हमने रोका था इसके यूज का वक्त आ रहा है, हम इसको यूं कट कर देंगे। इसी देखिए हम ऐसे इसमें इसके क्यूब्स बना लेंगे, ये देखिए ये मैं इसके क्यूब्स बना रही हूँ, ये ऐसे करते हैं, ठीक है, ये हमने क्यूब्स बना लिए। और अब हम इस मैंगो को, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे क्यूब्स रेडी हैं, ये हम इसको स्पून से ऐसे निकाल लेंगे, ये सब हमारा इसमें आइसक्रीम में चला दिया है क्यूब्स बनके, जो कि खाने में हमें बड़े अच्छे लगते हैं। ये देखिए अब हमारी आइसक्रीम जो है ये रेडी है, और हम अब इसको स्टोर कर ले रहे हैं। और 1 से 2 घंटे बाद हम इसको फिर निकालेंगे और फिर से मिक्स करके फ्रीजर में डाल देंगे। अभी हम इनको फ्रीजर में रखे दे रहे हैं, फिर आप इसका अभी और थोड़ी देर में इसको ऊपर नीचे करके हम थोड़ा सा शेक करके फिर फ्रीजर में डाल देंगे, और 5-6 घंटे बाद ये हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, 6-7 घंटे बाद हमारी आइसक्रीम जम चुकी है, चलिए रिजल्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, तो आइसक्रीम हमने फ्रीजर से निकाल ली है, देखिए चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट्स रहे हमारे। वाओ, वंडरफुल, ये जो है ये फर्मली जो है फ्रीज हो गई है, ये देखिए आप लोग, ये अच्छे से हो गई है फ्रीज। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे इसको डिश आउट किया जाए। Thank you.
इसको, एक स्कूप मैं सोची और ले लूं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने स्कूप्स निकाल लिए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा गर्मियों के लाजवाब तोहफे, आम से हमने मैंगो आइसक्रीम बनाई है। आप लोग भी बनाइएगा, बहुत लजीज है और मुझे लग रहा है ऐसा हल्का सा, मैंने इसको चखा भी था तो मुझे टेस्टी लग रही है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइए। फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने हमारी रेसिपी ट्राई की है उसमें है शामू भाई, एहतिशाम मिर्ज़ा बेग साहब ने हमारे मटन दो प्याज़ा को ट्राई किया। थैंक यू वेरी मच, वेल डन एहतिशाम भाई, मैंने देखा है तस्वीर बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी रेसिपी ट्राई करने का। दोस्तों अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नई रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।